आज कांटे की टक्कर होने वाली है। इसे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि ये सबसे मैच ऑफ द टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो सबसे जो दो क्लोज टीमें जो सबसे ज्यादा फॉर्म में है वो उन दोनों टीमों की टक्कर है। अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की बात करें तो थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट दक्षिण अफ्रीकी टीम ज्यादा नजर आती है, इसलिए कि वहां से शतक बहुत ज्यादा आए क्विंटन डी कॉक में 4 शतकीय पारियां खेली, इसके अलावा 8 शतक है वहां पे। लेकिन भारत की ओर से रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से शतकीय पारियां आई, लेकिन ये सही तस्वीर नहीं है स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट करने की, क्योंकि अगर आप हाफ सेंचुरीज मिलाएं तो दोनों टीमों के 13-14 के पास आंकड़े हैं, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत को वहां तक जरूरत नहीं पड़ी है। तो एक टेस्ट हो सकता है भारतीय बल्लेबाजों का जरूर से, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो जाहिर तौर पर भारतीय गेंदबाजी का खौफ फैला हुआ है। वसीम अकरम अगर कह रहे हैं कि उनसे बेहतर कंट्रोल है नए बॉल में बुमराह का, जो हर टूर्नामेंट में आपको पावर प्ले में गेंदबाजी में निकाल के दे रहे हैं, विकेट सिराज हैं, इसके अलावा मोहम्मद शमी की क्या बात करें, मैग्रा की के जैसे वो घातक नजर आ रहे हैं और एक ही जगह से गेंद को दोनों तरफ इन स्विंग आउट स्विंग करके बल्लेबाजों को फांस रहे हैं, इसके अलावा स्पिनर जो है हमारे वो दोनों कमाल का अपना दमखम दिखा रहे हैं, कुलदीप यादव रविंद्र जडेजा। एक अगर इसमें सिर्फ भारत में एक हार्दिक पांड्या के बाहर होने की वजह से हो सकता है कि थोड़ी अगर किसी एक गेंदबाज को पिटाई पड़ी, तो राहुल द्रविड़ ने कहा है कि शायद विराट कोहली अगर गेंदबाजी कर सकते हैं, तो ऐसे में मतलब ये दिल मांगे मोर विराट कोहली से जब भी बात होगी तो बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो फील्डिंग में उन्होंने दिखाया था कैसे हवा में गल्लेबाजी लेते हुए ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कैच लिया, तो एक मतलब एक ट्रेंड सेटर है, 49वें शतक का इंतजार रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर गेंदबाजी की बात करें, जैसे मार्को यानसन है वहां पे 16 विकेट ले चुके हैं, जसप्रीत बुमराह के नाम 15 विकेट है, मोहम्मद शमी के नाम 14 विकेट है, क्विटजी के नाम 14 विकेट है, केशव महाराज शानदार स्पिनर, कगिसो रबादा इन दोनों के पास 11 विकेट है, कुलदीप यादव के पास 10 है और जडेजा के पास 9 है, तो मोहम्मद सिराज के पास 9 है और एनगिडी उनके पास 7 है, तो दोनों तरफ बॉलिंग बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग जो है वो प्रदर्शन करके उन्होंने अपना दमखम साबित किया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये मुकाबला जो है एक तरह से जो टूर्नामेंट का जो लीडर है उसको सेट कर देगा। भारत को अब तक अविजय उसका विजय रथ चलता जा रहा है, और ऐसे में अगर देखें और खासकर जो 70,000 क्राउड है इन सबको देखते हैं, भारत का पलड़ा यकीनन थोड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन ये सही टेस्ट होगा इस मुकाबले में, इतना जरूर कहा जा सकता है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।